बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपके साथ आज का जो डॉलर का और रियाल का रेट है मुख्तलिफ बैंकों के हिसाब से और आज का जो एक्सचेंज रेट रहा वो शेयर कर दूंगा मैं। ईद सर के ऊपर आ चुकी है परदेसियों की। वैसे ना परदेसी भाइयों की जो फैमिलीज बैठी हुई हैं वो इस वक्त अगर किसी ने अभी तक पैसे नहीं भेजे हैं तो उनका सर खाया जा रही है कि पैसे भेजो, फलाह चीज़ लेनी है, फलाह लेनी है, फलाह लेनी है। और पाकिस्तान में तो आपको पता है अगर पहले एक चीज़ थी 70 रुपये की तो अभी 120 की हो चुकी है। क्या जी, पहले रमज़ान की लूटमार थी, अभी ईद की लूटमार शुरू हो चुकी है। तो ये बात क्यों कर रहा था, देखें रियाल हम कमाते हैं पाकिस्तान में भेजते हैं। आज मैं ना एक बोर्रे के बंदों का कट बैठा हुआ था, उसमें बैठा हुआ था, चलो ये बात आपको थोड़ी बताता चलूँ। तो सऊदी रेल के रियाल के रेट के हिसाब से बात हुई तो मुझे वो इस चीज़ के ऊपर मुझे बोल रहे थे कि यार उस पहले भी तो रियाल 30-35 का था, अभी तुम्हारा रियाल भी तो 80 रुपए तक पहुंच चुका है तुम्हारा। वैसे एक बात तो वैसे मानने वाली है, हम पाकिस्तान में मेहमान होते हैं, सऊदी अरब ही हमारा देश होता है परदेसियों का। तो बहरहाल जी, अगर डॉलर के मुतालिक बात करें 284-285 वही स्टेट बैंक आपको पता सैटरडे संडे से क्लोज रहता है। अगर रियाल रेट के मुतालिक बात करें तो आपको पहले मैं एक्सचेंज रेट आज का दिखा दूं जो कि आपके सामने है जी, 75.79 रुपए आज का रेट। और अगर बात करें इंडिया 21+ एंड बांग्लादेश टका 28+ में है। अगर पाकिस्तान में रियाल लाकर आप चेंज करवाना चाह रहे हैं तो 76 रुपए या 76 रुपए प्लस में रेट मिल रहा है। मैं एक दो दिन में रियाल चेंज भी करवाने वाला हूँ पाकिस्तान में और आपको ये लाइव वीडियो मैं यहाँ मार्केट के रेट के हिसाब से बता भी दूंगा वो रेट। मुख्तलिफ बैंकों के हिसाब से बात कर लेते हैं जी। मैं इनमें सबसे पहले अगर बात करें बैंक जजीरा की यानी कि फौरी बैंक की, तो इनका रेट आज का 74.72 रुपए 10, 17 और 25 रियाल फीस के साथ। और ईद के नज़दीक यानी कि आज से दो दिन बाद बोल रहे हैं आप, बैंक भी देख लीजिए कैसा रहोगे आप, दो दिन टिकते रहे और बैंक बंद हो जाए, यानी कि ईद से आज से दो दिन बाद भी बैंक ओपन रहेंगे सऊदीया में। तो उस दिन अगर आप पैसे भेजेंगे तो यकीनन बात है आपको इस रेट से ज़्यादा रेट मिलेगा। अगर एसटीसी पे के मुतालिक बात कर लें तो इनका रेट आज का 74.62 रुपए और 17 रियाल इनकी फीस होती है। तहवील राजी यानी कि राजी बैंक की अगर बात करें तो इनका रेट आज का 74.80 रुपए हाई रेट चल रहा है इनका, 10, 17 और 25 रियाल इनकी भी फीस होती है। अगर वेस्टर्न यूनियन की बात करते हैं तो 75.10 रुपए वेस्टर्न यूनियन रेट दे रहा है भाई, और 17 एंड 23 रियाल इनकी फीस है। अगर मनीग्राम की बात करते हैं तो मनीग्राम आज का जो 74.72 रुपए मनीग्राम का रेट है और 23 रियाल एंड 17 रियाल इनकी भी फीस होती है। टैली मनी यानी कि ANB बैंक की अगर बात करें तो इनका रेट आज का 74.65 रुपए और 15 एंड 17 एंड 25 रियाल इनकी भी फीस होती है। अगर हम क्विक पे की तरफ जाते हैं तो क्विक पे आज का रेट दे रही 75.18 रुपए 10, 17 और 25 रियाल फीस के साथ। और अगर हम इंजाद बैंक की तरफ जाते हैं तो इंजाद बैंक आज का 74.92 रुपए यानी कि 92 पैसे यानी कि 92 वाला वर्ल्ड कप भी हम जीते थे एक दफ़ा, मुझे याद आ गया। अच्छा जी, 74.92 रुपए रेट है जी इंजाद बैंक का आज का 10, 17 और 25 रियाल फीस के साथ। ओवरऑल 75 रुपए अराउंड में इस वक्त बैंकों में भी रेट है जो आने वाले 2-3 दिन में बढ़ेगा। बागी पेट्रोल पंप रात से पाकिस्तानी गवर्नमेंट के ऊपर गिर चुका है, पाकिस्तानी अवाम के ऊपर, सॉरी गवर्नमेंट ने गिरा दिया है 10 रुपए का मजीद, 282 यानी कि 300 के करीब पहुंच चुका है पेट्रोल।